वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं भुट्टे के दाने से एक बहुत ही टेस्टी नाश्ता। तो चलिए हम बनाते हैं। नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम अच्छे से सारे दाने को अलग कर लेंगे। उसके बाद हम सभी दाने को हाथ से थोड़ा थोड़ा करके दबा देंगे। ये हमको वही भुट्टा लेना है जो बहुत सॉफ्ट होता है। फिर एक चम्मच घी डाल करके इस भुट्टे को हम कढ़ाई में डाल देंगे। फिर हम उसको अच्छे से चलाएंगे और इसको हम ढक करके पकाएंगे और थोड़ी थोड़ी देर पर हम उसको चलाते रहेंगे। जब हमारा भुट्टा थोड़ा थोड़ा कलर चेंज करने लगे तो उसके बाद हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं काला नमक डालूंगी आधा चम्मच, आधा चम्मच मैं ब्लैक पेपर पाउडर डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करके उसके बाद फिर मैं इसमें चाट मसाला डालूंगी आधा चम्मच। फिर इसको भी मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक करके पकाएंगे। फिर हम इसमें आधा ग्लास पानी डालेंगे और उसके बाद हम फिर इसको थोड़ी देर ढक करके पकाएंगे। 3 मिनट पकाने के बाद हम हाथ से दबा के देखेंगे। जब ये दबने लगेगा तो हमको ये पता चल जाएगा ये हमारा अच्छे से पक गया है। तो हम एक जार में इसको निकाल लेंगे और इसको दरदरा हम पीस लेंगे। ये देखिए मैंने दरदरा पीस लिया है। अब मैं फिर एक चम्मच घी कढ़ाई में डालूंगी और एक मैं मीडियम साइज प्याज को कट करके उसको छौंका लगा दूंगी। फिर आधा चम्मच मैं रेड चिली पाउडर डालूंगी। इसको थोड़ी देर कुक करने के बाद मेरा जो मक्के का जो मैंने मक्के के दाने का जो मैंने पेस्ट बनाया था उसको डालूंगी और ऊपर से एक चम्मच में घी का डालूंगी और इसको हम सुनहरा होने तक भूनेंगे। इसके बाद देखिए ये हमारा नाश्ता बन करके रेडी हो गया है। ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत हेल्दी भी होता है और बहुत टेस्टी होता है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट करिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट। फॉर वॉचिंग। बाय बाय। नमस्ते।